गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पुणे ब्लॉगर छवि में। और ये है सुबह के करीबन 10:30 हो रहे थे, 10 या 10:30 के करीब में हो रहा था। और मैं जो हूँ वो सारे साबुन जो है मेरे पास वो सब निकाल रही हूँ, और वो क्यों निकाल रही हूँ आपको ब्लॉग में आगे समझ में आ जाएगा। और इस टाइम में घर पे सिर्फ मैं हूँ और अम्मा है। गोल्डी अंशु जो है स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उनका क्लास चल रहा है ऑनलाइन, तो उनका स्टडी कर रहे हैं। पापा जो हैं वो गुड्डू के साथ गए हैं, उनका कुछ रिपोर्ट वगैरह टेस्ट वगैरह कराना था, क्योंकि आप सबको पता है कि पापा का रेडिएशन शुरू होने वाला है वेडनेसडे से, तो पापा का कुछ टेस्ट कराना बाकी था। तो वो सब जो है वो पापा जो है वो कराने गए हैं, और इस समय मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ कोई किसी स्पेशल इंसान से। और मैं कि साबुन वगैरह तो अमेज़ॉन पे मैं जो हूँ अभी बंद कर दी हूँ, लेकिन लोकल में जो है वो मुझे लगता है डिमांड कुछ ज़्यादा ही हो गया है साबुन का। तो बहुत सारे सोप के ऑर्डर आते हैं मुझे अभी, एक्चुअली 10 kg या 20 kg ऐसे डिमांड कर रहे थे कि किलो 10 kg या 20 kg के करीब में आप बना करके हमारे कंपनी को दो, लेकिन मुझसे अभी वो संभव नहीं है, उतना टाइम नहीं हो पाता है। लेकिन जो मेरे रिलेटिव हैं या जो मेरे जान पहचान के हैं जिनको शुरू से देते आई हूँ, बस उनको ही मैं दे रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले लूँगी, और वो मैं मान लूँ अगर मैं वो टाइम पर अगर मैं नहीं कर पाऊँगी तो वो अच्छा नहीं रहेगा, ना उनके लिए जिनके लिए मैं जिनको मैं बोली हूँ कि दे दूँगी, और ना वो मेरे लिए सही रहने वाला है, क्योंकि लाइफ जो है सो कि ऑलरेडी बिजी हो गई है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, उसमें वो सोप का भी टेंशन मुझे नहीं लेना है। तो इसलिए जो है वो अमेज़ॉन से हटा दी हूँ मैं। लेकिन बहुत जल्द मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं अमेज़ॉन से, तो मैं फ़ेस वॉश और फेस पैक और फेस वॉश जो है और फेस पैक मैं अमेज़ॉन पे बहुत जल्द जो है वो शुरू करने वाली हूँ। साबुन मैं पैक कर रही हूँ अपने ननिहाल के लिए, मतलब मेरे मैं अपने नानी घर के लिए सारा साबुन पैक कर रही हूँ, कुरियर से भेजने वाली हूँ। अब आप सोचोगे कि छवि आप बोल रहे थे अमेज़ॉन पे तो सोप आपके नहीं बिकते हैं, अमेज़ॉन पे आपने हटा दिया। एक्चुअली क्या हुआ है, जब से मैं अमेज़ॉन से, ये लॉकडाउन में अमेज़ॉन से बंद की मैं अमेज़ॉन पे साबुन सेल करना, लेकिन उसके बाद से मेरे साबुन का डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। मैं लोकल में दे रही थी, अमेज़ॉन से हटा दी थी। मेरे बहुत सारे परमानेंट कस्टमर हैं जो कि मेरे अलावा कहीं और का साबुन यूज़ नहीं करते, यहाँ तक कि वो फैब इंडिया का भी उनको बोल दो कि फैब इंडिया के सोप अच्छे हैं आप वो यूज़ कर लीजिए, नहीं 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 तुम्हारे ही साबुन यूज़ करना है। क्योंकि मेरा जो साबुन होता है वो एकदम से इतना इसके अंदर में इसके मतलब गुणों में क्या गिनाऊँ आपको। आप अगर मेरे सोप लगा लेते हो उसके बाद आपको बॉडी लोशन अगर आप नहीं भी लगाते हो ना, तो पूरे दिन आपको आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती लगती है, फ्रेश दिखती है, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो आता है। तो मेरे ननिहाल में बस ऐसे ही, जब मैं तकरीबन 2 साल पहले जब सोप का जब शुरू की थी अमेज़ॉन पे देना, तो मैं सबको ऐसे ही साबुन जो है वो भेजी थी, अपने नानी घर भी भेजी थी। तो मेरे नानी घर में जो मेरे छोटे मामू हैं ना, अभय मामू, तो उनके उनसे कोई एक जो मामू है गांव में, मतलब नानी घर हो या फिर मामी नानी घर हो या फिर बाबा घर हो या फिर ससुराल हो, तो पूरा गांव ही आपका कुछ ना कुछ रिलेशन में लगता ही है। तो मेरे नानी घर में एक मामू है कोई, मैं उनसे नहीं मिली हूँ, अगर मिली भी होंगी तो मुझे नहीं याद है। तो वो लेकर के गए थे मामू के पास से एक साबुन। अब उनकी बेटी जो है शायद 16 या 17 साल की है ना अम्मा, 16-17 साल की उनकी बेटी है, उसको इतना ज़्यादा मेरा साबुन सूट किया कि मीन्स उसके फेस पे इतने उसके रिजल्ट अच्छे आए, क्योंकि वो डॉक्टर्स के चक्कर लगा के थक चुकी थी, उसके पिंपल्स नहीं जा रहे थे, उसकी स्किन ग्लोइंग नहीं हो रही थी, ब्राइट नहीं हो रही थी, उसकी स्किन पे बहुत सारे दाग धब्बे थे, लेकिन वो मेरा सोप यूज़ की तो उसके दाग धब्बे खत्म हो गए, उसकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लोइंग ब्राइट और मतलब फेयर हो गई। अभी भी मामू वही कह रहे थे कि बेटा ये जो साबुन सब भेज रही हूँ, चलो बाद में ये बात टॉपिक पे आती हूँ। अब वो तब से जो है, मतलब मुझे लगता है 3-4 महीने से उसके साबुन, वो जब खत्म होता था मामू के पास सोप था वो लेकर के जाती थी और वो यूज करती थी। मैं एक दो वीडियो में सोप बनाना भी बताई हूँ, लेकिन बताने में और जो मैं बना के देती हूँ उसमें बहुत फर्क होता है। जो आप बताते हो और जो मैं बनाती हूँ और जो सेल करती हूँ,
ओरिजिनल नहीं बताते ना कोई भी, अगर मैं ओरिजिनल बता दूं कि मैं ऐसे बनाती हूँ तो फिर बिजनेस क्या रहेगा मेरा, फर्क है ना। कोई भी अपना हर चीज़ परफेक्टली नहीं बताता ना। अब मैं सोच रही हूँ कि अमेजोन पे बहुत जल्द मैं अपने फेस वॉश, फेस पैक और ये सब शुरू करने वाली हूँ, तो ओरिजिनल अगर मैं बता दूंगी तो अमेजोन से कोई क्यों परचेज करेगा। वही वाली सोप की वो, मतलब मैं किसी और का सोप यूज़ ही नहीं करूँगी, मुझे बस दीदी का ही सोप यूज़ करना है। अब वो 3 महीने से मामू मुझे बोल रहे थे कि छवि भेज दो बेटा, छवि भेज दो, लेकिन ऐसा हो रहा था कि टाइम नहीं हो रहा था कि मैं भेजूँ। तो ऐसा हुआ कि भाई पापा का इस रूम में ऐसा हुआ कि टाइम नहीं मिलता था। अब मामू मेरे मुझसे गुस्सा हो गए कि कब से तुमको हम बोल रहे हैं कि साबुन भेज दो, तुम भेजती ही नहीं हो। तो आज फाइनली मामू आपका सोप पैक कर चुकी हूँ, आपके यहाँ पर भेज रही हूँ, और ताकि आप उसको भी दे सके और आप खुद भी यूज़ कर सके। तो बहुत सारा सोप मैं पैक कर चुकी हूँ और उसको इतना भर, और एक्चुअली वो जो सोप यूज़ की थी वो सोप अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे सोप है मेरे पास, बहुत सारे सोप है, लेकिन वो वाले सोप अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है जो मैं उसको दी थी। मुझे लग पता है मुझे मैं कि एंटी एजिंग भेजी थी, और एंटी एजिंग के इंग्रेडिएंट अलग होते हैं, कॉफ़ी के इंग्रेडिएंट अलग होते हैं, टर्मरिक के इंग्रेडिएंट अलग होते हैं, चारकोल के इंग्रेडिएंट अलग होते हैं, एलोवेरा के इंग्रेडिएंट अलग होते हैं, और फिर स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग वाला इंग्रेडिएंट अलग होते हैं। लेकिन फिर भी जो मेरे पास अवेलेबल था सब मैं उसको रख के भेज रही हूँ, और आई होप कि मेरा ये सोप उसको पसंद आए। आई विश कि उसकी स्किन वैसी ही ग्लोइंग ब्राइट और खूबसूरत बनी रहे मेरे सोप से, ताकि वो जो है मेरे ऊपर जो उसका भरोसा है वो यूँ ही बना रहे। वही सब है, मामू बहुत गुस्सा हो गए थे तुम साबुन भेजोगी नहीं, तुम्हारा तो मामू ही नहीं है, भूल जाओगी तुम्हारा कोई छोटा मामू है। मैं कह रहे नहीं मामू ऐसे मत कीजिए, मैं साबुन भेज रही हूँ, अभी सब साबुन अभी पैक कर दूंगी, ताकि ये कल परसों में मेरे नानी घर, मतलब कल कुरियर हो जाए तो इस वीक तक मैं नानी घर में पहुँच जाए। तो ये प्रूफ है आप लोग के साथ मैं शेयर की हूँ, ताकि मामू को लगे कि भैया साबुन उनका निकल गया। तो चलिए वही सब है। सुबह से आज पापा गए हैं, उनके बहुत सारे और टेस्ट वगैरह होने हैं, तो पापा गए हैं टेस्ट वगैरह कराने के लिए, और मैं खुद के लिए जो सोप निकाली थी मैं यहाँ पर डाल। तो पापा गए हैं, अम्मा तुम्हारे लिए मैं साबुन निकाले क्या? तुम्हारे लिए भी निकाले वाला? अच्छा बेस्ट। तो अम्मा के लिए भी निकाल रही हूँ साबुन, खुद के लिए भी निकाल रही हूँ साबुन, जाओ। पप्पा गए हैं हॉस्पिटल, पप्पा का रेडिएशन का जो है वो शुरू हो रहा है वेडनेसडे से। तो उसके लिए पापा को बहुत सारे टेस्ट करा रहे, तो पापा चले गए हैं वहां पर गुड्डू के साथ। आज पापा के लिए बना रही हूँ डोसा सांभर, क्योंकि वेडनेसडे से जब पापा को जब रेडिएशन हो जाएगा उसके बाद पापा को खाने में बहुत बहुत, आज डोसा सांभर बनाऊंगी, क्योंकि पापा को जब रेडिएशन पड़ेगा वेडनेसडे से उसके बाद पापा को खाने में बहुत दिक्कत होगा, तो फिर ताकि पापा अपना फेवरेट खाना खाए, क्योंकि रेडिएशन पड़ने के मुझे लगता है 1-1.5 महीने के बाद से पापा अच्छे से खा पाएंगे, इसलिए आज मैं पापा के सारे फेवरेट चीज जो है पापा को खिलाऊंगी। सच्ची सहेली, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।